उदेशक में बात होगी अब अशोक स्तंभ को लेकर हो रहे विवाद के बारे में। पीएम मोदी ने कल एक विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया था, जिसे नए संसद भवन की छत पर लगाया गया है। इस अशोक स्तंभ को लेकर विवाद हो रहा है। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि नए अशोक स्तंभ में बदलाव कर दिया गया है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि पुराने अशोक स्तंभ में सिंह गंभीर और शांत मुद्रा में दिखता है, जबकि संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ में सिंह गुस्से में है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कई ट्वीट किए हैं। उनके द्वारा जो ट्वीट किए गए हैं उनमें लिखा गया है, यदि सारनाथ के प्रतीक को बड़ा किया जाए या संसद के नए भवन के प्रतीक को उस आकार में छोटा कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। अगले ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने दो तस्वीरें भी शेयर की। पहली तस्वीर संसद भवन के ऊपर लगे अशोक स्तंभ की, वहीं दूसरी तस्वीर सारनाथ के अशोक स्तंभ की। इन दोनों तस्वीरों को ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि यह पूरा विवाद बेवजह है और इन दोनों तस्वीरों में कोई भी अंतर नहीं है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने ट्वीट भी किया, दो संरचनाओं की तुलना करते समय कोण, ऊंचाई और पैमाने के प्रभाव की सराहना करने की जरूरत है। यदि कोई नीचे से सारनाथ के प्रतीक को देखता है तो वह उतना ही शांत या क्रोधित लगेगा जितना की चर्चा की जा रही है। पार्लियामेंट का जब उद्घाटन होगा तो जरूर बुलाया जाएगा। ये तो अभी एम्बलम लगा है उसके लिए था। वो हर चीज में राजनीतिक पक्ष मत देखें, ये राजनीतिक मामला नहीं है, देश के स्वाभिमान का मामला है। अच्छा ये होता कि सभी प्रमुख दलों के नेताओं को बुला के उस एम्बलम को देश के सामने समर्पित किया जाता, पर मोदी जी को तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास ही नहीं है, उनको संविधान में विश्वास नहीं है। मोदी जी कभी उस अशोक स्तंभ का अर्थ भी समझ लीजिए, उस संविधान का कम से कम प्रीएम्बल तो पढ़ लीजिए जिसको तार तार रोज आपके कृत्य करते हैं।